मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज का ब्लॉग्स मैंने मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट किया है और अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले झाड़ू ही लगा देती हूँ, किचन का काम मैं बाद में स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एक बार झाड़ू लग जाती है तो घर थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाता है और ख़ुद को भी अच्छा लगता है कि झाड़ू लग चुकी है तो ऐसा लगता है कि जैसे सब काम ख़त्म हो गया है। और जो कर्टन का माल मैंने मंगवाया है वो मेरे रूम में अभी ऐसे ही लगा हुआ है। इसका जो हमने अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर काम शुरू करना है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि इस प्रोसेस को पूरा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी ये ऐसे ही रखा हुआ है, एक दो दिन का टाइम अभी लगेगा। तो अभी मैं साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये साफ़ सफाई का काम हो गया है, चाय बना के पी ली है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं, दही को बिलो दिया है, तो लगभग जो मेरे छोटे मोटे काम हैं वो सब ख़त्म हो चुके हैं और अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज सुबह के टाइम मैं दाल बना रही हूँ, क्योंकि जो हरी सब्जियाँ हैं उन्हें बच्चे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी हरी सब्जियाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, हमें ज़रूर खानी चाहिए। फिर मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ बच्चों की पसंद ना हो ये भी अच्छा नहीं होता है, तो आज मैं इनकी पसंद से सुबह के टाइम दाल ही बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो दाल, आलू, छोले, राजमा इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इसीलिए मैंने आज सुबह के टाइम दाल बनाई है। तो अभी मैं दाल को बना के और फिर मैं आटा लगा दूँगी, फिर रोटी बना के सबको खाना खिला दूँगी। तो अभी मैं फटाफट किचन के काम को कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अपने सब काम से फ्री होने के बाद अब मैं वैक्सिंग करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी मुझे नहाने के लिए जाना था। तो मैंने सोचा कि नहाने से पहले अपने हाथों पर वैक्सिंग कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गए थे मैंने वैक्सिंग नहीं की थी। और फ्रेंड्स, अपनी दुकान करने से पहले मैं हाथों पर भी वैक्सिंग नहीं करती थी, तो मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, लेकिन दुकान करने के बाद जब मैंने हाथों पर वैक्सिंग करना शुरू किया है, तब से ये लगा लो कि ये मैंने एक तोता ही पाल लिया है। और तब के बाद ज़्यादा नहीं तो महीने डेढ़ महीने के बाद तो हाथों पर वैक्सिंग ज़रूर करनी पड़ती है, नहीं तो खुद को ही अपने हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। और फ्रेंड्स, ये बात सच भी है कि जब तक हम वैक्सिंग नहीं करवाते, आईब्रो नहीं बनवाते, अपर लिप्स या फोरहेड नहीं करवाते हैं, तब तक हमें इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक बार अगर ये काम करवाना शुरू कर दो फिर तो ताउम्र ये करवाने ही पड़ते हैं। और मैंने भी ये तोता अपनी दुकान करके ही पाल लिया, क्योंकि जब मैंने अपनी दुकान की थी तो मैं अपनी दुकान पर वीट पट्टी बेचती थी, जिसे कस्टमर नाम से मांगता था, लेकिन फिर दुकान पर सेल्समैन तो आते थे अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट लेकर, तो वो एक बार स्ट्रिक्ट कंपनी की पट्टी लेकर आए थे, तो कहने लगे कि ये बहुत ही अच्छी है, वीट पट्टी से भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और मार्जिन भी इसमें ज़्यादा है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो मैं किसी चीज़ को नहीं बेच सकती हूँ, एक प्रूफ चाहिए है कि ये वीट पट्टी से बढ़िया है या नहीं है। तो उन्होंने मुझे कुछ सैंपल दिए थे कि आप इन्हें यूज करके देख सकती हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये वीट पट्टी से बढ़िया है। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने आज तक वीट पट्टी यूज नहीं की है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वीट पट्टी बढ़िया है या स्ट्रिक्स बढ़िया है। तो फिर मैंने एक पैकेट वीट पट्टी का लिया और जो सैंपल उन्होंने मुझे दिए थे वो लिए, एक हाथ पर मैंने वीट पट्टी की और दूसरी पर मैंने स्ट्रिक्स की पट्टी यूज की। तो फिर मैंने रिजल्ट पाया कि जो वीट की पट्टी है वो स्ट्रिक से बेस्ट है, वो इतना अच्छा काम नहीं कर रही है जितना अच्छा कि वीट पट्टी काम कर रही है। और तब के बाद मुझे ये काम करना ही पड़ता है, नहीं तो हाथ बहुत ही गंदे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब में से भी अगर किसी को कभी पट्टी यूज करनी हो तो आप वीट कंपनी की ही लेना, फ्लेवर आप अपने हिसाब से चॉइस कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया है। तो अभी मैं वैक्सिंग कर लेती हूँ और वैक्सिंग करने के बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊँगी। फ्रेंड्स, वैक्सिंग करने के बाद अब मैं नहा के आई हूँ, तो अपने बालों में कंघी करके और चोटी बना लूँगी। और फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ हेयर स्टाइल मुझे बनाना नहीं आता है, सिर्फ मुझे चोटी ही बनानी आती है। अगर ज़्यादा गर्मी लगती है तो जूड़ा बना के और क्लचर लगा लेती हूँ, क्योंकि जूड़ा भी मुझे कुछ खास बनाना नहीं आता है, बस अपना टाइम पास कर लेती हूँ।
और फ्रेंड्स ये अब की बार तो मैंने वैक्सिंग भी बहुत दिनों के बाद की है, लगभग पूरे 2.5 महीने बाद की होगी। और आज सच में खुद को ही अपने हाथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं हाथों पर वैक्सिंग करूँगी लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज किचन के काम से थोड़ा जल्दी फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा कि नहाने से पहले एक बार वैक्सिंग ही कर लेती हूँ। तो अभी मैं अपने बालों की चोटी बना लेती हूँ और फिर मुझे थोड़ा सा नीटिंग का काम भी करना है। तो फ्रेंड्स अब मैं नीटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ और मैंने आज ही ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। और ये मैं 10 से 12 साल के बच्चों के लिए अंगूठे वाली लॉन्ग जुराब बनाऊंगी और इसकी वीडियो मैं नीटिंग लेसन चैनल पर अपलोड करूंगी जब ये पेयर बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैंने सोचा कि मैं वैसे रेस्ट भी करूंगी थोड़ा सा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बुनाई का काम कर लेती हूँ। तो ज़्यादा नहीं तो 10 सिलाइयाँ 15 सिलाइयाँ कुछ तो बनेंगी तो थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट ऊपर जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा नीटिंग का काम कर लेती हूँ और फिर मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट भी करूँगी। फ्रेंड्स ये शाम 6 बजे का टाइम है और यहाँ पर मेरे दोनों बेटे विशाल और अनुज और मैं ये जो मैंने कर्टेन का माल मंगवाया हुआ है इसकी पिक खींचने की तैयारी कर रहे हैं। और एक बार हमने जैसे पीछे हमारे वाला पर्दा लग रहा है इसके ऊपर ही दूसरा पर्दा लगा के और पिक खींची तो जो नए पर्दे मैंने मंगवाए हैं ना तो उसका कलर सही आया और जो उसमें डिजाइन है वो भी सही से नहीं आ पाया। तो अब हमने यहाँ पर ये जो ग्रीन स्क्रीन होती है ये लगा दी है और ये ग्रीन स्क्रीन मेरे छोटे बेटे ने अपनी स्ट्रीम करने के लिए मंगवाई हुई है। तो अभी हमने ये लगा दी है ताकि जब इसके आगे हम नए कर्टन को लगाएंगे तो उसकी जो पिक आएगी उसमें जो डिजाइन है वो बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। तो अभी हम ये काम करेंगे। और इसकी पिक बनवाने के लिए हमने फोटोग्राफर से भी बात की थी लेकिन एक पिक के 300 रुपये का खर्चा बताया था। तो फिर मेरा छोटा बेटा कहने लगा कि मम्मी बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, इससे अच्छा तो ये है कि हम घर पर ही पिक खींच के और जो एडिटिंग का काम है वो मैं खुद ही कर दूंगा, मुझे करना आता है। और ये भी होता है फ्रेंड्स अगर बच्चों को कुछ काम करने आते हैं तो उसका हमें फ़ायदा मिल जाता है। तो मेरे छोटे बेटे को ये सारे काम करने आते हैं। तो अभी हम ये पिक खींच लेंगे फिर कंप्यूटर में जो फोटो बनानी है तो वो खुद ही बना लेगा। तो फ्रेंड्स इस सब काम से फ्री होने के बाद मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात जरूर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूं कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स जैसे कि मैं अभी अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे अपना काम शुरू करने जा रही हूं तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स ने मुझसे ये पूछा है कि अमेजोन पर काम शुरू करने के लिए क्या क्या करना होता है, आप हमें ज़रूर बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप में से कोई भी अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे अपना कोई भी काम शुरू करना चाहती हैं या चाहता है तो सबसे पहले आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे काम शुरू करने के लिए GST नंबर की ज़रूरत पड़ती है। GST नंबर के बिना यहाँ काम शुरू नहीं हो सकता है। जैसे कि मार्केट में छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं तो उसके लिए GST नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मार्केट में जिस दुकान की 10 से 12 लाख रुपए की साल की इनकम होती है उस दुकान के लिए GST नंबर ज़रूरी होता है, लेकिन जिस दुकान की 10 लाख से कम की इनकम होती है उसके लिए GST नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो दुकान ऐसे ही मार्केट में खोल सकते हैं। लेकिन अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पर दुकान खोलने के लिए सबसे पहले GST नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ GST नंबर के बिना काम नहीं हो सकता है। इस दुकान पर इनकम महीने में चाहे आपकी 5,000 की हो, 7,000 की हो या बिल्कुल जीरो हो तो GST नंबर ज़रूर चाहिएगा। और GST नंबर आपको CA बना के देगा। तो आपके एरिया में जो भी CA बैठा हो आप उसके पास जाइए और उससे बात कीजिए, वो आपको GST नंबर बना के देगा। GST नंबर के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो सब आपको CA बताएगा। तो आप CA से मिलिए, आगे की जानकारी वो आपको देगा। और अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे अकाउंट कैसे खोलना है इसकी जानकारी भी आपको CA ही देगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम आपको CA समझाएगा कि कैसे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और फ्रेंड्स जो CA की फ़ीस होती है और GST नंबर की जो फ़ीस होती है वो आपको CA ही बताएगा, क्योंकि हर CA की फ़ीस अलग अलग होती है तो अपने हिसाब से वो आपको बताएगा। तो आप उससे जाकर बात कीजिएगा।
और फिर जैसे सी आपको बताएगा कि अमेजोन पे आपको अकाउंट कैसे खोलना है। उसके बाद जब आप अकाउंट खोलेंगी तो आगे का जो काम है अमेजोन के जो मेंबर्स बैठे होते हैं वो आपको समझाएंगे कि आपको इन्वेंट्री फाइल इसमें कैसे बनानी है, अपने प्रोडक्ट को इसमें ऐड कैसे करना है। सारा काम आपको अमेजोन के जो मेंबर्स बैठे होते हैं वो आपको खुद फ़ोन करके बताएंगे, क्योंकि एक बार जब अपना वहाँ पर अकाउंट खोलेंगी तो ऐटोमेटिक आपको वहाँ से 48 घंटे के बाद फ़ोन आएगा, क्योंकि इसमें 48 घंटे का टाइम लगता है जो भी आप उसमें प्रोसेस शुरू करेंगी जैसे आपको सीए बताएगा। उसके बाद 48 घंटे के बाद अमेजोन की तरफ से अपने आप आपके पास फ़ोन आएगा कि अब आपको इसमें क्या करना है, कैसे करना है। एक के बाद एक आपके पास फ़ोन आएगा और ख़ुद आपको वो सारा काम समझाएंगे कि आपको इसमें क्या क्या करना है, तो आप अपना काम शुरू कर सकती हैं जो भी आप करना चाहें। अब जैसे कि मैंने ये कर्टन मंगवाए हुए हैं और इसकी बेटे ने वहाँ पर फाइल भेजी थी बना के अमेजोन में, तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप भेजते हैं अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो आपके द्वारा भेजी हुई जो मेल होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो हमारी भी कैंसिल हो गई है, अब दोबारा से कल फिर भेजी है बेटे ने, अब कल शाम तक उसका रिप्लाई आएगा क्योंकि 48 घंटे का टाइम लगता है। 48 घंटे में उन्होंने चेक करके देखा तो उसमें कोई एक दो वर्ड की मिस्टेक थी जिसकी वजह से वो कैंसिल हो गई है। अब कल दोबारा भेजी है, अब 48 घंटे में फिर से उनका रिप्लाई आएगा, फिर उनकी मेल आएगी और आगे इसकी इन्वेंट्री फाइल कैसे बनेगी वो सारा काम अमेजोन वाले ही करवाएंगे। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम कैसे कर पाएंगे, सारी हेल्प वो खुद ही करते हैं, बस हमें तो एक कदम आगे बढ़ाना होता है कि अब हम इसमें क्या करें। तो आगे का काम आपको वो समझा देंगे। आप सब कुछ करना चाहती हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स खाली बैठ के किसी का गुजारा नहीं होता है, कमाते कमाते भी गुजारा नहीं होता है तो खाली बैठ के तो कैसे हो सकता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, घर में जितने भी मेम्बर्स हों अगर सारे मिलके कमाते हैं तभी ये घर की गाड़ी चलती है, नहीं तो अगर एक आदमी कमाने वाला हो और 4 से 5 खाने वाले हों तो घर का जो आर्थिक बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा बहुत हम सब एक दूसरे का हाथ बटाएं, थोड़ा बहुत काम हम सब करें। तो अब मेरा तो ये है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अगर मुझे जैसे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, मैं वो सब नहीं इतना समझ पाती हूँ, तो दोनों बच्चे समझ लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो ये सब काम करेंगे। मैं तो इतना करूँगी कि माल लेके आऊँगी उसकी मुझे समझ है, अभी बच्चे छोटे हैं तो इनको इतनी समझ नहीं है कि कर्टन का माल लेना है वो किस रेट में लेना है, आगे उसका रेट कैसे फिक्स करना है, ये सब हेल्प मैं करूँगी बच्चों की कि माल कितने का आया है, रेट कितना लगेगा, आगे का खर्चा कितना लगेगा, वो सब इसमें ऐड करके बताना पड़ता है। और कंबल लेने हैं तो बच्चों को नहीं पता कि वो वैरायटी कैसी लेनी है, तो वो सब मैं करके लेके आऊँगी, और अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जो फिर अंदर का काम होता है वो सब बच्चे संभाल लेंगे। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स ने ये भी पूछा है कि एक कर्टन का रेट कितना है, तो देखिए फ्रेंड्स ये कर्टन जो होते हैं वो 3 साइज में आते हैं, चौथा जो साइज होता है वो स्पेशल बनवाना पड़ता है। मेन साइज चलता है 5 फुट, 7 फुट और 9 फुट। 9 फुट का जो साइज है वो मेरे घर में जो कर्टन लगे हुए हैं ये है, और 7 फुट वो होता है जिसकी मैंने अभी पिक खींची थी तो आपने देखा भी होगा वीडियो में जो मैंने लगाया हो, वो 7 फुट है। 9 फुट ये है जो मेरे घर में लगा, और 5 फुट विंडो के लिए होता है। तो साइज़ के हिसाब से इसका रेट होता है। जब ये सारा काम सेट हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजोन का जो लिंक है वो आप सबको दे दूंगी, तो वहाँ सबको पता चल जाएगा कि कौन से साइज़ का क्या रेट है, क्योंकि एक वैरायटी तो है नहीं, 3 से 4 वैरायटी हैं, तो उन सब का रेट भी अलग अलग होता है, किसी का महंगा तो किसी का सस्ता, तो वो सब आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप में से कोई भी अपना काम शुरू करना चाहता है तो इस तरह से आप सीए के पास जाइए, मैं भी सीए के पास ही गई थी, तो सारा काम हमारा हो चुका है, बस थोड़ा सा यही है कि अभी अमेजोन की तरफ से एक रिप्लाई आना बाकी है, तब आगे का काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।